आइए न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपकी एक ऐसी कंपनी से जिससे आप पहली बार मिलने जा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि इस कंपनी का आ रहा है आईपीओ। जी हाँ, देश की दिग्गज ग्रीन पावर कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपने आईपीओ के साथ उतर रही है, और 19 तारीख यानी कि कल ये आईपीओ खुलेगा, बंद होगा 22 को, 3 दिनों के लिए। 102 रुपये से 108 रुपये प्राइस बैंड तय किया गया है, और आप 14,904 रुपये का मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10,000 करोड़ का आईपीओ है, और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू यानी कि पूरे 10,000 करोड़ रुपए कंपनी के पास ही जा रहे हैं बिजनेस में लगाने के लिए। 91,000 करोड़ का मार्केट कैप है ऊपरी बैंड पर 108 रुपए पर। प्रमोटर है एनटीपीसी, उनके पास 100% स्टेक है, अब घटकर रह जाएगी 89%। आइए मैं जरा जानकारी दे दूँ कंपनी की आपको। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 2022 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। एनटीपीसी की फुली ओन सब्सिडरी है। 2023 में 15 रिन्यूएबल एसेट्स जो एनटीपीसी के पास थे वो इनके पास ट्रांसफर कर दिए। दिसंबर 2024 तक ये ऑपरेटिंग कैपेसिटी के मामले में देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी बनने को तैयार है। सोलर और विंड पावर जनरेशन का कंपनी करती है कारोबार, और 6 राज्यों में अलग अलग प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास है। 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गुरदीप सर ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से साइंस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है। सर ने IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट एजुकेशन का प्रोग्राम भी किया है। 2016 से आप NTPC के CMD रहे हैं, और 18 साल से ज़्यादा का समय आपने पावर सेक्टर से जुड़ी कई कंपनियों को दिया है, वहाँ डायरेक्टरशिप भी आपने रखी है। आइए दूसरे खास मेहमान है हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस जय कुमार श्रीनिवासन साहब। श्रीनिवासन साहब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट यानी कि ICAWA के मेंबर हैं। आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, और आप भी 17 साल से ज़्यादा समय से पावर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनियों में डायरेक्टर रहे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुरदीप सिंह साहब, पहले शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूँ। सर जरा समझाएं NTPC ग्रीन का बिजनेस मॉडल क्या है, और जनरली हम NTPC के परिवार का ही आप हिस्सा है, तो आपका और NTPC का दोनों का बिजनेस किस तरह से अलग अलग है? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। ये आपने ठीक कहा कि NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इज ए होली ओन सब्सिडरी ऑफ NTPC, और जैसे आप सब जानते हैं कि NTPC का नाम पावर सेक्टर में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, और हम 1/4 पावर सप्लाई करते हैं सभी ग्राहकों को, सभी कंज्यूमर्स को। और NTPC ग्रीन एनर्जी ये हमने, जैसे आपने बताया कि 2022 में शुरू किया, जो हमारे पास कुछ जो सोलर और विंड के एसेट्स थे वो ट्रांसफर किए, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी हमारा जो लक्ष्य है जो 60 GW का, जो 2032 तक पहुंचने का, उसके लिए हमने ये NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का स्थापना की, और इसमें हम अग्रसर हैं बहुत तेजी से। और आज के दिन हमारी जो कमीशन कैपेसिटी है वो है 3,300 MW, लेकिन उसके साथ ही जो हमारे जो प्लांट जिसके प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है वो तकरीबन 16,000 MW है। और हम इस साल मार्च तक 3,000 MW कमीशन करने वाले हैं, अगले साल 5,000, और उससे अगले साल 8,000, तो 2027 तक हमारी कैपेसिटी जो है इस NTPC ग्रीन एनर्जी की वो 19,000 MW हो जाएगी। और हमको ये विकसित भारत में, और इसका जो NTPC जो है जो इसने स्टार्ट किया कि जो ट्रांजिशन है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देना है, इसके लिए हमने ये NTPC ग्रीन की स्थापना की है। और मैं ये भी बता दूंगा आपको कि ये हमारे 4 पिलर्स पे जो है इसका हमने जो है वो मेन जो ढांचा तैयार किया है वो है सोलर विंड स्टोरेज कैपेसिटी, एंड गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर अबाउट फ्यू ईयर्स दिस विल बी गोइंग टू बी ग्रीन मॉलिक्यूल, जिसको हम ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, और उसके बाद में जो ग्रीन अमोनिया होगा, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होगा, ग्रीन एथनॉल, ग्रीन मेथनॉल, इस तरह की जो चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल अगले 3-4 साल तक हमारा मेन जो है वो उद्देश्य है कि सोलर और विंड के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, और उसमें भी सोलर के ऊपर ज्यादा निवेश है हमारा, न कि विंड के ऊपर। जी, तो गुरदीप सिंह साहब जो 19,000 मेगावाट की आप कैपेसिटी बता रहे हैं,
2027 तक हो जाएगी, ये पूरी की पूरी सोलर और विंड की है। इसमें से कितना सोलर होगा, कितना विंड? ये इसमें केवल 3,000 मेगावाट विंड होगा और बाकी 16,000 सोलर होगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस 19,000 मेगावाट तक पहुंचने के लिए सभी चीजें हमारे पास हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे इवैक्यूएशन का है, पीपीए है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर इन प्लेस है, सभी चीज है, केवल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और हर माह में हम कुछ कैपेसिटी ऐड करते जा रहे हैं, जैसा आप जानते होंगे कि ये छोटी छोटी कैपेसिटी भी इसमें ऐड हो जाती है, न कि जिस तरह से हमारे जो थर्मल में होता था कि 800 मेगावाट की यूनिट या 600 मेगावाट की यूनिट और एक ही बार आएगी। तो ये हमारा हर माह में कुछ ना कुछ जो कैपेसिटी आता जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि इस साल मार्च तक हम 6,000 मेगावाट तक पहुंच जाएंगे, उससे अगले साल मार्च तक मतलब मार्च 26 तक हम 11,000 पे पहुंच जाएंगे और मार्च 27 तक इसमें 19,000 तक पहुंचने का लक्ष्य है। जी श्रीनिवासन साहब, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो एक तरह से कह सकते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन बहुत पैसे वाले बाप का बेटा है, एनटीपीसी आपके अगर पेरेंट हो तो पैसे की तो कहाँ कमी, न काम की कमी है न पैसे की कमी है, लेकिन फिर भी आप आईपीओ लेकर आ रहे हैं सर 10,000 करोड़ का, तो जरा समझाएं सर इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करेंगे। जैसे आपने अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि ये नए शेयर इश्यू करेंगे, और ये ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी अपना शेयर बेच रही है, और ये जो रकम जो रेज की जाएगी वो सारी की सारी नए प्रोजेक्ट में ही लगेगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस स्टेज पे जब हम ये आईपीओ लेके आ रहे हैं, हमारे हिसाब से ये बिल्कुल सही मौका है। वो इसलिए है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़े और एक सही स्टेज के ऊपर कंपनी के जैन इसमें एंटर हो, ताकि आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में काफी वैल्यू एडिशन जो होगी उसका फायदा शेयर होल्डर्स को भी मिले। तो डेफिनेटली आपको वहां इन्वेस्टमेंट होगा। सर गुरदीप सिंह साहब, एक चीज जो आप इंटरेस्टिंगली कह रहे हैं कि देखिए सोलर में तो आपकी इतनी तगड़ी लीडरशिप है, विंड में भी आप 3,000 मेगावाट लगा रहे हैं, अब नया जो आप बता रहे हैं कि हाइड्रो रिलेटेड है, हाइड्रोजन रिलेटेड, वहां कब और कितनी कैपेसिटी आने की उम्मीद है, जरा ये समझाएं सर। देखिए जैसा मैंने कहा कि ये हाइड्रोजन जो है वो अभी भी थोड़ा सा समय है, हमने कुछ पायलट प्रोजेक्ट किए हैं अभी, जैसे लेह लद्दाख में हम कुछ सोलर पावर से जो है ना हाइड्रोजन बना रहे हैं, और उसमें बस चलाने का हमारा अभी जो टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ है। इसी तरह से हमने विंध्याचल में कुछ एक ग्रीन मेथनॉल बनाने का किया है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने इस समय पर इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया है, वो इसलिए कि ये आने वाले 5 से 6 साल के बाद ही इसमें मेन इन्वेस्टमेंट शुरू होगा। जो आज के दिन जो इन्वेस्टमेंट है वो है हमारा पूरी मड़का, जो कि हम उसको ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में उसको डेवलप करेंगे, और उसके ऊपर हमने लैंड ले ली है और वो लैंड रजिस्टर भी हो गई है, वो कोस्टल लोकेशन है, उससे अच्छी लोकेशन शायद ही कोई होगी जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए और ग्रीन हब के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन हब के लिए उपयुक्त होगी। और ये इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि सोलर विंड और हाइड्रोजन के बीच में एक तीसरा जो पहलू बताया था मैंने वो था स्टोरेज का। और स्टोरेज का एक अच्छी खबर ये है कि स्टोरेज के जो प्राइसेज हैं वो थोड़े से अब करेक्ट हुई हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है, जिसके कारण जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको इंटीग्रेट करने के लिए, ग्रिड में इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सहायता मिलेगी। आप जैसे जानते होंगे कि दिन में जब सोलर जो एनर्जी होती है तो एक्सेस पावर अवेलेबल होती है, इसलिए कोल बेस्ड प्लांट्स को बैक डाउन करना पड़ता है, जबकि जो पीक आवर होती है उस समय पर सभी जितने कोयले के प्लांट है वो पीक आवर पीक लोड पे चलाने पड़ते हैं। और जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए ये दोनों का जो गैप अगर बढ़ जाएगा तो उसको हल करने के लिए स्टोरेज का भी हमको बहुत अच्छे से सहारा लेना पड़ेगा, और उसके लिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे हमारे जो है ना एवेन्यूज हैं और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। पंप स्टोरेज एक है और साथ में जो बैटरी स्टोरेज है उसके भी अभी प्राइसेस करेक्ट हुए हैं, तो वो बहुत एक अच्छी खबर है। और इसके कारण जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसमें काफी अच्छी बढ़ोतरी होने में ये सहायक होगा। तो गुरदीप सर, वैसे तो आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनको सोलर में काम करना है, बहुत सारी कंपनियां भी आ रही है, कॉम्पिटिशन भी बहुत है, तो एनटीपीसी के पास ऐसी क्या खास ताकत है, क्या आपको एडवांटेज क्या है कॉम्पिटिशन में? देखिए ये आपने जो बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन आपने उसी में शायद उसका जवाब भी निहित है कि बहुत सारी कंपनियां थी कि जो कि पावर में हैं
और हम लोग जो है ना अपना केवल पावर में है, बाकी कंपनियां बहुत ज्यादा क्षेत्रों में होती हैं, हम केवल पावर में ही काम कर रहे हैं शुरू से, और इसमें भी ये भी पावर और एनर्जी में ही काम करेंगे। और हमारा जो जो मेन बिजनेस मॉडल है जो बाकियों से अलग है, मैं उसको थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूं कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। जैसे खावड़ा में हमारा 5 गीगावाट, 5,000 मेगावाट प्लस 2,000 मेगावाट, तकरीबन 7,000 मेगावाट पे हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमने राजस्थान के साथ में, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में उसमें ज्वाइंट वेंचर बनाया, जहां पर 25,000 गीगावाट, 25 गीगावाट यानी कि 25,000 मेगावाट सोलर प्लांट में हम काम करेंगे। तो हमारा जो एक जगह पे जो सोलर का प्लांट होगा वो गीगावाट स्केल पे होगा, 2,000 मेगावाट से लेकर के 5-6,000 मेगावाट तक का। इसके फायदे कई हैं, एक तो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये है कि जो इवैक्यूएशन की जो जो प्रोविजंस हैं उसके लिए अपने आप जो है ना उसके लिए वो वाइबल हो जाता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में, जैसे हम महाराष्ट्र के साथ भी हमने ज्वाइंट वेंचर किया है, और अभी राजस्थान के लिए जैसे बताया, इसी तरह से IOCL के साथ में, बाकियों के साथ में है। तो ये जो बिजनेस मॉडल है ये बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, और हमारा पूरा विश्वास है कि हम विकसित भारत में के जो अभी चल रहा है काम उसमें बहुत तेजी से काम करेंगे, और ये जो 2070 तक जो नेट जीरो का है उसमें भी हम पूरा योगदान देंगे, और हमारी जो कैपेसिटी हमने जो लक्ष्य रखा था 60,000 मेगावाट का 2032 तक, उससे पहले ही उसको पूरा करने के लिए पूरा हम सक्षम हैं और उसके ऊपर बहुत अग्रसर हैं उसमें काम करने। श्रीनिवासन साहब, आपसे सवाल लेना चाहता हूँ, क्योंकि आप ग्रीन एनर्जी में हैं तो, और रिन्यूएबल और स्पेशली सोलर में, तो क्या आपका कंपैरिजन अदानी ग्रीन और हाल ही में लिस्टेड एक्मे सोलर टाइप इन किन इन कंपनियों के साथ की जाए? कौन सी कंपनियाँ होगी जिसे आप अपने पेयर्स में रखेंगे? देखिए, हम अपने आप को, जैसे मैंने बताया था, हम अपने आप में एक बड़ी, इतनी बड़ी कंपनी उभर के आ रहे हैं, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। जैसे NTPC का नाम है जो जो थर्मल कैपेसिटी और जो कन्वेंशनल में, उसी तरह से NTPC ग्रीन एनर्जी भी होगा। और आपको ये भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और सभी निवेशकों को कि ये NTPC ग्रीन एनर्जी का नाम जब हम रख रहे थे तो हमने इसको बहुत सोच समझ के रखा था। ये हमने इसको NTPC ग्रीन पावर नहीं रखा, ये NTPC ग्रीन एनर्जी है, और वो इसीलिए जो स्टोरेज वाला जो पार्ट है और जो हाइड्रोजन ग्रीन मॉलिक्यूल का जो पार्ट है आगे आने वाले दिनों में, और सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर जो ये काम करेगा, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी होगी। और ये देश में ही नहीं, सभी जो है ना विश्व स्तर पे एक जो है ना अग्रणी कंपनी बनकर उभरेगी। बढ़िया, तो बड़े इरादे हैं NTPC ग्रीन के, और बड़ा जबरदस्त ये ग्रोइंग फील्ड है जिसमें इस वक्त बहुत इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा है। गुरदीप सर और श्रीनिवासन सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कल से आपका IPO खुल रहा है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि NTPC की तरह ही आपकी कंपनी भी बहुत नाम कमाए और अच्छा IPO आपका रहे, और दर्शकों के लिए आप, हमारे निवेशकों के लिए काफ़ी वेल्थ बनाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।